अगर आप भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों का फायदा आम आदमी को मिलना तय है। इन नियमों के लागू होने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे। केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम पहले के मुकाबले बेहद आसान हैं। 1 जुलाई 2022 से लागू हो गए नए नियम। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के संशोधित नियम के अनुसार अब आपको किसी तरह का ड्राइविंग टेस्ट आरटीओ जाकर नहीं देना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय की तरफ से नए नियमों को 1 जुलाई 2022 से लागू किया जाएगा। नए नियम लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी। सर्टिफिकेट के बेस पर बनेगा डीएल। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आरटीओ में टेस्ट देने का इंतजार नहीं करना होगा। आप डीएल के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद आपको वहीं से टेस्ट पास करना होगा। टेस्ट पास करने वालों को स्कूल एक सर्टिफिकेट जारी करेगा। इस सर्टिफिकेट के बेस पर आपको डीएल बनाया जाएगा। सड़क और परिवहन मंत्रालय की तरफ से ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस और शर्तें तय की गई हैं। इन गाइडलाइंस के बारे में जानकारी होना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। दोपहिया, तिपहिया और हल्के मोटर वाहनों के ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए कम से कम 1 एकड़ जमीन हो। भारी मात्रा माल वाहन या ट्रेलों के लिए ट्रेनिंग सेंटर के पास 2 एकड़ जमीन होना जरूरी है। ट्रेनर का कम से कम 12वीं पास। ट्रेनिंग सेंटर और बायोमेट्रिक सिस्टम होना जरूरी है। मीडियम और हैवी व्हीकल मोटर व्हीकल के लिए 6 हफ्ते में 38 घंटे कोर्स की अवधि है। इसमें 8 घंटे थ्योरी क्लास और बाकी 31 घंटे का प्रैक्टिकल होगा।